हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मटर पनीर पुलाव की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए मैंने 1 कप राइस, यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिए हैं। तो इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है और इसको मैंने लगभग आधा घंटा के लिए भिगो दिया है। यहाँ पर लिए मैंने 3/4 कप हरे मटर के दाने। यहाँ पे लिए मैंने 15 से 16 पीस पनीर के, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिए, आप देख सकते हैं इस तरह। मैंने लिए यहाँ पे थोड़े से काजू। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने एक प्रेशर कुकर को रख दिया है। अब इस प्रेशर कुकर को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालूंगा मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी या फिर मस्टर्ड यानी सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1 टीस्पून जीरा। इसमें डालूंगा मैं 4 से 5 लौंग, 2 इलायची और इन सभी को मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लूंगा। तो हमारे जीरा वगैरह कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप किया था। तो इसको भी मैं लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगा। तो मिर्च हमारी कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं काजू। काजू को हमें लगभग 40 से 50 सेकंड के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। तो ज़्यादा कुक नहीं करना है और गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम ही रखना है। तो काजू मेरे हल्के से कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं पनीर के क्यूब्स। पनीर के क्यूब्स को मैं लगभग 3 मिनट के लिए, 3.5 मिनट के लिए कुक कर लूँगा। तो हमें पनीर को तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमारे पनीर अच्छे से कुक हो चुके हैं। मैं आपको पनीर काट कर दिखाता हूँ। तो इस तरह काट कर देख लेंगे, आसानी से सॉफ्ट हो गया है, यानी हमारा पनीर कुक हो चुका है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं हरे मटर के दाने। तो अब इसको भी मैं लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगा। तो इन सभी को हमें चलाते रहना है, नहीं तो हमारी सब कुछ सब्जियाँ चिपक जाएंगी। तो मटर को भी मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। तो मटर कुक होने के बाद इसमें डालूंगा मैं चावल। तो आप देख सकते हैं चावल में थोड़ा पानी भी था। तो अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 1.5 कप पानी। तो 1.5 कप पानी इसलिए डाला है क्योंकि चावल में ऑलरेडी थोड़ा पानी था। तो अगर चावल में पानी नहीं हो तो आप 2 कप पानी डाल सकते हैं। तो इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1 टीस्पून नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा ताकि हमारा नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तब इसको हमें इसी तरह छोड़ देना है और इसको हमें 1 उबाल आने देना है। तो 1 उबाल आने तक हमें इसे इसी तरह छोड़ देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 1 उबाल आ चुका है। तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन है वो लगा देंगे और इसको हमें 3 सीटी आने तक इसी तरह कुक कर लेना है और इसका सारा प्रेशर हमें रिलीज कर देना है बाद में कुक होने तक। तो दोस्तों, हमारा चावल अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका प्रेशर मैंने रिलीज अपने आप ही होने दिया है। इसका सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब इसका ढक्कन हटा लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे चावल एकदम परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ क्योंकि चावल जब पकते हैं तो ये सब्जियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इनको एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। दोस्तों, चावल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब्जियाँ आपस में मिक्स हो चुकी हैं। तो हमारे चावल अब सर्विंग के लिए रेडी है। तो अब इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो दोस्तों, हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस हमारे मटर पनीर पुलाव बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।